हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो SSC MTS के 5 अक्टूबर के पेपर के अंदर पूछे गए थे, मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के क्वेश्चंस, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस मिला के यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हो आप, करेक्ट स्पेलिंग पूछा है एक गारंटी का और एक क्लेवर, इन दोनों का करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पूछे गए थे मैथ से कुछ क्वेश्चन, जो मैं देख बता दूँ आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक लड़का 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी बिंदु तक जाता है और वापस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के अंदर। तो ये यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे मैथ से ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। एक ये सीरीज पूछी गई है 74, 72, 76, 74, 78, 70, तो इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 84, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रेन 600 मीटर प्लेटफॉर्म और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टली 80 सेकंड में पार करती है, यानी कि एक को तो 120 में और दूसरे को 80 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पे पूछी गई है, लंबाई। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक इकाई अंक पूछा था इसका, तो इकाई अंक इसका जो होगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जो है कि नंबर 10 से और 200 के बीच में 7 कितनी बार आता है, तो ये आंसर 19 होगा इसका। वैसे एक्चुअली मैंने ये फाइंड नहीं करा दोस्तों, आंसर स्टूडेंट ने बताया, तो एक बार आप चेक कर ले, इसे ज़रूर हो जाएगा, इजी सा है, बस थोड़ा काउंट करना आपको। नेक्स्ट यहाँ पे एक पंक्ति में एक खिलौना बाएं से 13वें स्थान पर है और दाएं से 31वें स्थान पर है, तो बताओ टोटल खिलौने कितने हैं, तो ये भी इजी है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट फिर अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे हैं, एक तो रिजोल्व का और एक डेफी का पूछा है। तो मैं बता दूं आपको, रिजोल्व का होता है मतलब कि कोई चीज़ का सोल्व करना, तो ये इसका सोल्व का अगर बात करें तो फिक्स हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ये ऐसे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक पूछा गया यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछा था क्लेवर का, ये हो गया ऊपर अपन ने देख लिया, ये भी देख लिया। क्लोज टेस्ट पूछे गए थे, पैराजम्बल्स से क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें तो यहाँ पे मैथ्स के कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे कि इफ़ ए टाउन हैव प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 75, यानी कोई भी जो कस्बा है उसकी अभी की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 7500। इन एवरी ईयर देयर इज 25% इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और प्रत्येक साल ये क्या होती है, 25% बढ़ती है इस पॉपुलेशन में, तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो की जो पॉपुलेशन वो फाइंड करनी है, ईजी ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऊषा प्रजेंट एज इज 36, तो ऊषा की अभी की जो एज है प्रजेंट की वो है वर्तमान एज 36 ईयर। इफ 10 ईयर एगो ऊषा एंड आशा एज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, अगर इस 10 साल पहले जो आशा और ऊषा का रेशियो था एज का वो था 2:3, देन फाइंड आउट द आशा आफ्टर 2 ईयर एगो, तो जो आशा है उसकी एज यहाँ पे फाइंड करनी है 2 साल बाद, तो ये भी हो जाएगा आपको दोस्तों। अगर नहीं होता है तो आप पहले ट्राई करें, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एंटोनिम्स पूछा गया है यहाँ पे फैट का, तो इसका थिननेस हो जाता है। अगर यहाँ पे ईडियम्स पूछे गए हैं तो वन इसका पूछा गया है, 1 white line। एक यहाँ पे वो वन वर्ड पूछा गया है, किलिंग वंस मदर, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो किलिंग वंस मदर है उसको मैट्रिसाइड बोलते हैं, अगर फादर के लिए होता है यहाँ पे तो पैट्रिसाइड बोलते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। और एक यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा था कमिटेड का, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कोई भी चीज़ का प्रतिबंधित करना, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा एपैथेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे इडियम्स पूछे थे, रूट एंड ब्रांच किलिंग वंस मदर, ये हो गया। करेक्ट स्पेल पूछे थे यहाँ पे मेंटेनेंस के और मैन्युफैक्चरिंग के, तो ये भी इजी था दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस तो जो कल पूछे गए दोस्तों, ये एक रीजनिंग के क्वेश्चन से, दो यहाँ पे सीरीज वाले, ये देख लीजिए आप, इनको भी आप सोल्व करके देख लीजिए, मिसिंग नंबर फाइंड करना है यहाँ पे दोनों का। तो ये क्वेश्चंस थे जो पूछे गए दोस्तों कल
5 अक्टूबर के पेपर में, और जहाँ जल्दी मैं आज के जो भी आगे के सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और पीछे के सारे पेपर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं हर शिफ्ट के, तो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और जो दोस्त व्यूअर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आगे के हर नए नोटिफिकेशंस के अपडेट आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी के लिए इतना ही।